आपको मैंने दिखाया था कि ग्वालियर में अभी 1 जनवरी आ गई, और जनवरी में कितनी सर्दी पड़ती है आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर मुझे पसीना आ रहा है जबकि मैंने ये हाफ पहना हुआ है। देखो आप, मैं आपको बता दूं, आज है 1 जनवरी 2024, तो नई साल की शुरुआत होती है मेरे इस केरला हॉस्पिटल में। और ये पीछे का बैकग्राउंड देख के कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कैंटीन जो कि थोड़ी पीछे की साइड पे है, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा। बाकी आज मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा और यहाँ का हल्का फुल्का कैंपस, और बाकी आने वाले 1 से 1.5 या 2 महीने तक कंटिन्यू मेरी वीडियो देखने को मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। बाकी दिखाते हैं अपनी बोरिंग हॉस्पिटल लाइफ। तो जो आपने देखा ये हमारा रूम है। हम कैंटीन से अभी अपना एक वाटर बॉटल लेके आए हैं और एक चॉकलेट लेके आए हैं, मेरा मन हो रहा था खाने का, तो ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नीचे घूम के आया हूँ। बाकी कैंटीन अभी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मतलब वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ वगैरह थी, और यहाँ पे बेसिकली केरला में लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं रहती हैं, होती हूँ तो आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लगा इसलिए मैंने उनको शूट नहीं किया, क्योंकि भाई खुद को शूट करना अलाउड होता है किसी भी जगह पर किसी भी देश पर, लेकिन किसी और को शूट आप नहीं कर सकते, मतलब आप वीडियो नहीं बना सकते उनका, है ना। तो इस चक्कर में मैंने वहाँ शूट नहीं किया। अभी मैं धीरे धीरे आपको दिखाता जाऊँगा और जहाँ जहाँ परमिशन मिलेगा वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा, मेरा ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। पिछली बार थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी आलस के चक्कर में और ट्रीटमेंट के चक्कर में काम बढ़ गया था थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इस बार सब चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। तो दिखाते हैं आपको, कमेंट करके बताइए आपके मेरा रूम कैसा लगा। और कल मेरा होने वाला है ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट देने जाएंगे, उसके बाद 2-3 जगह पर और भी काम है, और आपको थोड़ा बाहर घुमा के लाएंगे, और हो सकेगा तो होटल वोटल चलेंगे, वो सब फिर से दिखाएंगे। आपको मैंने दिखाया था कि ग्वालियर में अभी 1 जनवरी आ गई, और जनवरी में कितनी सर्दी पड़ती है आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर मुझे पसीना आ रहा है जबकि मैंने ये हाफ पहना हुआ है। देखो आप, है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अप्रॉक्सीमेट 30-35 का टेम्परेचर होगा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हाई है। बाकी इलाज हो रहा है ऐसे में, और सारी चीज़ें गर्म 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 झेलनी है हमको 2 महीने तक। तो प्रे कीजिए आपके भाई के लिए जो भी हो अच्छा हो। बाकी मैं पंखा चला लूँ, कैमरे के चक्कर में पंखा बंद करना पड़ रहा है हमको। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैन वंदे मातरम।